तो हनुमान जी की पूजा उनके जन्मोत्सव पर कैसे की जाएगी? हनुमान जी की पूजा अभिजित मुहूर्त में करिएगा। अभिजित मुहूर्त का मतलब मोटे तौर से दोपहर के 11:30 से 12:30 के बीच का समय होता है। एग्जैक्टली मध्य दोपहर का जो समय होता है वो अभिजित मुहूर्त का समय माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट के कोने में ईशान कोण में एक चौकी पर लाल कपड़ा रखें, हनुमान जी का चित्र रखें या हनुमान जी की मूर्ति रखें, साथ में भगवान राम का चित्र या भगवान राम की मूर्ति भी रखिएगा। हनुमान जी को लाल और भगवान राम को पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएंगे। भोग में सामान्यतः हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, तो लड्डुओं में तुलसी दल डाल करके लड्डुओं का या बूंदी का भोग हनुमान जी को लगाइएगा। पहले भगवान राम के मंत्र का जप करिएगा। भगवान राम का मंत्र है, ओम राम रामाय नमः। पहले भगवान राम के मंत्र का जप करें, क्योंकि बिना श्री राम की पूजा के अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो पूजा निष्फल हो जाएगी। तो पहले भगवान राम के मंत्र का जप करें और फिर हनुमान जी के मंत्र का जप करें, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का उसके बाद जप करिएगा तो पहले भगवान राम के मंत्र का जितना चाहिए उतना जप करिए और उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का कम से कम 11 माला 11×108 बार हनुमान जी के मंत्र का जप करिएगा और हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा, लेकिन बिना प्रभु श्री राम के हनुमान जी की पूजा मत करिएगा, वरना आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। और जब आप प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी, स्वीकार होगी और आपका कल्याण होगा। इस बार हनुमान जी के जन्मोत्सव का संयोग 23 अप्रैल को है, तो इस दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव को धूमधाम से हम सबको मनाना चाहिए।